मैं देवेंद्र शर्मा न्यूरोथेरेपिस्ट और पिछले 10 सालों से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। पिछले 10 साल में न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करते करते बहुत सारी चीजों का अनुभव किया है और उन्हीं अनुभवों में से एक अनुभव मैं आप लोगों के साथ आज साझा करने वाला हूं। और वो अनुभव जिसको कि अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में कर सकते हैं, ध्यान में ला सकते हैं, और ध्यान में ही नहीं लेके आ सकते, अगर आप उस चीज को प्रॉपरली सीखेंगे, प्रॉपरली फॉलो करेंगे, तो मेरे को लगता है कि कई सारी बीमारियों को आप ठीक भी कर सकते हैं। और वो अनुभव है शरीर का एसिड और एल्कलाइन इनबैलेंस होना या बैलेंस है या नहीं है, ये कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर का जो बेस है, जो आधार है, वो है एसिड और एल्कलाइन। हमारे शरीर में लेफ्ट हैंड साइड एसिड है एंड राइट हैंड साइड एल्कलाइन है, और उसको हमने प्रॉपर तरीके से कैसे चेक करना है कि ये बैलेंस है या नहीं है, ये मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाला हूं। तो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में न्यूरोथेरेपी में एसिड और एल्कलाइन को कैसे चेक किया जाए। एसिड और एल्कलाइन का बैलेंस, यस। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एसिड और एल्कलाइन का बैलेंस चेक करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट अपनी जो रिंग फिंगर है, फोर्थ फिंगर जिसको हम बोलते हैं, राइट हैंड की एंड लेफ्ट हैंड की, दोनों फिंगरों पर हमें बारी बारी से इस जॉइंट पर, जो मिडल जॉइंट है, इस पर हमें इस तरीके से रब करना है। इस तरीके से रब जब हम करेंगे इस तरीके से, तो हमें लगेगा कि इसमें पेन हो रहा है, और ये पेन अनुभव करने के बाद में, लेफ्ट फिंगर में पेन अनुभव करने के बाद में, हम सेम राइट फिंगर के इसी जॉइंट पर प्रेस करेंगे इस तरीके से। जब हम राइट फिंगर के इस जॉइंट पे भी प्रेस करेंगे, तो अब हम दोनों के पेन में कंपैरिजन करेंगे कि किस फिंगर में हमें पेन ज्यादा हुआ था। अगर पेन लेफ्ट फिंगर में ज्यादा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ्ट साइड पेन हो रहा है तो हमारा बॉडी का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एसिडिक है, और राइट हैंड साइड जो है, अगर राइट फोर्थ फिंगर में पेन हुआ है तो वो एल्कलाइन है। तो ये हुई एसिड और एल्कलाइन चेक करने की एक छोटी टिप्स। अभी मैं आपको बताता हूं कि एसिड से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और एल्कलाइन से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखिए, एसिड से जो जो प्रॉब्लम हो सकती हैं वो है स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको एसिड की वजह से ही हो सकती है। बीपी का लो रहना, लो बीपी एसिड की वजह से, और अगर हम एल्कलाइन को देखें तो एल्कलाइन की वजह से, सॉरी, एल्कलाइन की वजह से बीपी हाई, इंसोमनिया, हाइपरटेंशन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो एल्कलाइन से हो सकती हैं। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, वो एसिड का, एसिड प्रवृत्ति का है या फिर एल्कलाइन, या फिर हमारी बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है या एल्कलाइन बढ़ा हुआ है। तो हम एक छोटी सी टिप से ये पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा है या एल्कलाइन की। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अभी बताया है कि एसिड और एल्कलाइन कैसे चेक करेंगे। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगर इनबैलेंस है तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो इसीलिए आप लोग
इस वीडियो को जरूर देखें और आने वाली वीडियो को देखना ना भूलें, जिसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।